चित्तौड़गढ़ में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही अब राजनीतिक माहौल जमने लगा है, जिसमें दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी होने लगी है। चित्तौड़गढ़ जिले में पांचों विधानसभा क्षेत्र में अभी तक चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी को छोड़कर स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है। वहीं चित्तौड़गढ़ कपासन और बड़ी सादड़ी में टिकटों के आवंटन को लेकर दोनों ही दलों में विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं, जिसको लेकर अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व में चिंता की लकीरें देखी जा रही है। देखिए, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, तो कल से जब से टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से पूरी विधानसभा में मानो एक शोक की लहर आ गई है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये समझ रहा है कि जो आदमी 10 साल तक फील्ड में नहीं आया, विधायक रहते हुए कोई काम नहीं करवाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि हमारी विधानसभा चरनोट समझकर ऐसा आदमी को टिकट दिया गया है जिससे कांग्रेस की हार होगी। सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए आज ये मीटिंग आयोजित की गई है। आने वाले समय में हमारी ये मांग हाईकमान से है कि टिकट 3 दिन के अंदर टिकट बदला जाए, नहीं तो समस्त कांग्रेस के पदाधिकारीगण, समस्त नेतागण और कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। जैसा कि सभी कार्यकर्ता आज आए हुए हैं, हम सबसे चर्चा करने के बाद आगामी रणनीति से आपको अवगत करा देंगे। सर्वे में जैसा कि आपको पता है, दैनिक भास्कर से लगा के तमाम जैसा कि सभी अखबारों में, सभी मीडिया समूह के द्वारा जो सर्वे कराए गए, प्राइवेट एजेंसी द्वारा जो सर्वे कराए गए, उसमें सबसे टॉप पर मेरा नाम था, बाकी शंकरलाल जी का कहीं नाम नहीं था। लेकिन राजस्थान लेवल की बड़ी पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि मैं पायलट साहब के साथ शुरू से ही रहा हूँ और पायलट साहब मेरी पैरवी करते हैं, तो ऐसा जिले के नेताओं को ऐसा लगा कि कहीं ये आगे नहीं बढ़ जाए, इसलिए मुझे, जैसा कहते हैं कि इस भ्रूण हत्या जो कहते हैं किसी राजनेता की, तो मेरी करने की कोशिश की गई है। तो समस्त कार्यकर्ता आज मेरे साथ में हैं और कार्यकर्ता जो आदेश देंगे उसके साथ कार्यकर्ताओं के साथ में चलूंगा। इसके लिए जिले के वो नेता जिम्मेदार हैं जो अपना चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लेकिन कपासन विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफी सालों से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, तो यहाँ के कार्यकर्ता बड़ा आहत है कि इस विधानसभा में कांग्रेस का नेता क्यों नहीं डेवलप होने दिया गया। पिछले कई सालों से इस विधानसभा में अगर कोई नेता विकसित होने वाला होता है तो जिले के नेता उसको दबा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी है कि अगर हमारा स्थानीय नेता अगर मजबूत होता तो आज हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होता। जिला नहीं की देखिए, भाई भतीजावाद कर केवल एक मजबूत आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, और एक मजबूत आदमी अगर टिकट मिलता है तो कहीं न कहीं किसी को अपनी नेतागिरी में खतरा महसूस हुआ, और खतरा ये महसूस हुआ कि किसी नीचे बैठने वाले आदमी को अगर MLA बना देंगे तो हमारी राजनीति चलती रहेगी। तो सारा ये षड्यंत्र केवल और केवल मुझे टिकट किस प्रकार नहीं मिले, तो स्थानीय नेताओं के साथ ही जिले के नेताओं ने सबने मिलकर मेरा टिकट काटने का काम किया। आपका टिकट काट, जैसा कि लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो गुटबाजी शुरू से चलती आ रही है उसी गुटबाजी को आज टिकटों तक लाया गया है, और जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनके टिकट काटे गए हैं। पूरे राजस्थान में ये विरोध हो रहा है, कांग्रेस के टिकटों में भाई भतीजावाद हावी रहा है, और जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनके टिकट काटे गए हैं।